पत्रकारी होंगी है इसनू वॉच डॉग कहा जाता है। कुछ कुत्ते ऐसे होंगे ने जिन्हों का काम वॉच करना रखवाली करना नहीं होंदा, सिर्फ ते सिर्फ जो मालक आउंदा उनू पूछ मारना, उदे तलवे चटना ते उदी गोदी च बैठना होंदा। इस करके ये लफ्ज उत्थों निकलदा गोदी मीडिया। इनू कहिंदे ने जैसमैन जर्नलिज्म, एडवोकेसी जर्नलिज्म, हुण उहनू पंजाबी च उहनू भुखण वाला कह लो, कुछ मर्जी कह लो, वर्किंग जर्नलिज्म। कि पोलिटिकल पार्टीज ये सोच रही सी भी असीं ये पत्रकारां दे मगर क्यों फिरदे। उन्होंने आपदे चैनल खोल ले, इस करके जैसमैन जर्नलिज्म होंदा है, इस करके एडवोकेसी जर्नलिज्म होंदा है। पेड खबर का बहुत चक्कर चल रहा है कि भी पेड खबर लाई जाती है। अक्षय कुमार कौन है, किधर जर्नलिस्ट है जी? दो चार पत्रकार हले भी है जेडे सच बोलते हैं। अज साढ़े नाल डॉक्टर प्रोफेसर हरजिंदरपाल सिंह जी वालिया ने, जेडे पंजाबी दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच जर्नलिज्म दे अध्यापक रहे, खुद पत्रकार रहे, मंच रसाला कढ़दे रहे, वो अज कल भी मैं कि पत्रकारी दे नाल जुड़े हुए आ। बड़ी खुशी की गल है कि पिछले समय उन्होंने पंजाब सरकार ने श्रोमणी पत्रकारी दे विच खेत्र दे विच जिहड़ा इनाम मिलता श्रोमणी पत्रकार का, उहदे नाल भी नवाजा है। उन्हां नाल असीं गलबात करनी चाहुंदे आ कि जिहड़ी साडी पत्रकारी है जिहनूं असीं मुख धारा की पत्रकारी कहिंदे आ, उस विच पिछले कुछ समय तो एक नगहार आया ते उहदे लई एक शब्द वरत्या जांदा है कि गोदी मीडिया पैदा होया। इह गोदी मीडिया दे नाल नाल उन्हां ने एक आप ही शब्द आजाद कीता है वालिया साहब ने, कि उहनूं टीरा मीडिया है, कि जिहनूं सच्चाई नहीं दिखदी जां उह लोकां दे मसलियां बारे टेढ़ नाल देखदा हैगा। ये बड़ी हैरानी वाली गल है कि जिस समय पंजाब दे विच की भारत दे विच ही कि जिस समय सिर्फ सरकारी मीडिया हुंदा सी ते उदों सरकारी मीडिया ते एक दोष लाया जांदा सीगा कि प्रधानमंत्री दा जिहड़ा बयान आ उह खबर नहीं हुंदा। भावें गल आखी जांदी सीगी पर जिहड़ी पहली खबर आ उह आम करके प्रधानमंत्री दा बयान हुंदा सी, पर जिहड़ियां बाकी खबरां आ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਗਾਰ ਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਡੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਡੌਗ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੁੱਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਛ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ,
सिर्फ दो लफ्जां दो तरह की जर्नलिज्म होंदी सी। एक होंदी सी मीनिंगफुल जर्नलिज्म जिहड़ा जर्नलिज्म बहुत वधिया है, जिहड़ा सही खबरां पेश करन वाला जर्नलिज्म है, जिहड़ा निरपक्ष है, पक्षपाती नहीं है, वह पत्रकारी मीनिंगफुल पत्रकारी। ते दूजी जिहड़ा नहीं है किसी खबर नूं बधा चढ़ा के दसदा है, किसी नूं ब्लैकमेल भी कर जांदा है, डिस्टोर भी कर दिंदा है, खबरां नूं तरोड़ मरोड़ दिंदा है, उहदा नां हुंदा सी येलो जर्नलिज्म। हुण भी है लेकिन हुण तो बहुत पिछे रह गया, हुण बहुत किस्म दे जर्नलिज्म आ गए। फॉर एग्जाम्पल जैसमान जर्नलिज्म, जो कुछ मालिक कहिंदा है ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਛਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਦਿਨ ਕੋ ਰਾਤ ਕਹੋਗੇ ਤੋ ਹਾਂ ਰਾਤ ਕਹੇਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਮੈਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨੌਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਬੈਠਾ ज्यादा हो जाना। एक बंदे दे पिछे जे फिर नकली टीआरपी पैदा करने लई दुबारा केस च उहदा नाम बोले, उस तरह के जिहड़े बंदे स्टूडियो च बुलाउंदे ने, इन्ना उच्ची बोल के बुलाउण वाले बंदे की बेइज्जती भी करदे ने, मेहमान की उच्ची उच्ची बोलदे ने अपने मालकां दे हक च, उहनूं मैं वर्किंग जर्नलिज्म कहना। हुण उहनूं पंजाबी च उहनूं भोखण वाला कह लो, कुछ मर्जी कह लो, वर्किंग जर्नलिज्म। सो जर्नलिज्म दीआं इन्नीआं किस्मां ने, आपां उहदी मतलब जे इह ते लग जाईए ते फिर आपां काफ़ी कुछ हो लोकतंत्र मजबूत हुंदा, लोकतंत्र खड़ा हुंदा। जदों इहदे विच इन्ना नगार आ गया, नगार दा बुनियादी कारण की उही दसन लग्या सी, मैं मानदे उही दसन लग्या सी, उहदे दो तीन वड्डे कारण समझ लोगे ते मेरा ख्याल है साढ़े दर्शकों को भी पूरी गल क्लीयर हो जाऊ। एक तो बहुत बड़ा कारण ये आया जेड़ा मैनू दसिया एच के दुआ ने, जेड़े चीफ एडिटर होंगे सी ट्रिब्यून के, फिर राज्यसभा चले गए। मैं उन्होंने इंटरव्यू किया, मैं क्या भी नाउ हाउ डू यू फील इन द राज्यसभा, वो कहते डॉक्टर वालिया आई एम सिटिंग विद द क्रिमिनल्स। मैं क्या सर मैं समझा नहीं, कहता यार सिंपल गल है क्रिमिनल्स ना बैठना पैंदा है। मैं क्या भी ये की चक्कर है क्रिमिनल्स, कहते देखो दो चीजा वापरिया पिछले दिन साढ़े केड़ी केड़ी, एक तो कहते जेडे क्रिमिनल होंगे सी ना इन्हों पोलिटिकल लोड जेडे लोग है पाल दे होंगे सी, बूथ कैप्टन लई जिन्हों बाहुबली कह देंगे ने, उन्होंने पालते सी के भी कदे औखे वेले काम आउणगे साडे गुंडागर्दी वेले, जिन्हों मसल पावर कह देने, मनी पावर ते मसल पावर पॉलिटिक्स चलती है इंडिया च। फिर की होया वो गुंडिया ने सोचा कि असी इन्हां लई क्यों लड़ीए, असी आप ही क्यों ना कर लीए। वो कहदा इलैक्शन लड़न लग गए ते आउण लग गए, बिल्कुल उस तरह जिहड़ी गल एच के दुआ ने कही कि पोलीटिकल पार्टीज ये सोच रहीआं सी वी असीं ये पत्रकारां दे मगर क्यों फिरदे आ, आपदी पत्रकार पैदा करिए, पत्रकारी करो, आपदे चैनल खोलो। उन्होंने आपदे चैनल खोल ले, इस करके जैसमैन जर्नलिज्म हुंदा, इस करके एडवोकेसी जर्नलिज्म हुंदा, होर तां होर नैशनल भी ते रीजनल बहुत सारे। मैं नाम नहीं लैणा, तुहानूं सब नूं पता है कि किहड़ा पंजाब भी चैनल चल रहा है ते जिहड़ा एडवोकेसी जर्नलिज्म कर रहा है। हुण खबर एक होंदी है उहदा एंगल देख लो कहे जे बन जांदे ने, नैतिकता किते भी नहीं, लोग कन्फ्यूज होए पए ने, लोग इसे तरह अखबारां च अज कल ये पेड खबर का बहुत चक्कर चल रहा है कि भी पेड खबर लाई जाती है,
पर एक दिन मैं तुहाडे मुखों ये भी सुनिया कि पेड खबर लाई नहीं जांदी, पे नाल खबर रोकी भी जांदी। देखो मैं ये थोड़ा दूजा सवाल है, जे कहो तो मैं पहली गल पूरी कर लां तो फिर मैं इहदा जवाब दे लां। पहली गल जदों ये होया, सवाल तुसीं कीता सी ये क्यों हुंदा है, मैं क्यों तैयार हैं, जिहड़ा बेसिक बुनियादी सवाल है। हुण हुंदा की है कि साडे कोल जिहड़ी विधान पालक है जिन्हें कानून बनाउणा, कार्यपालक है ते न्यायपालक है, ये तिन्नां 'च निगार आ गया और बुरी तरीके का निगार है, तुहानूं वी पता है। हुण उस निगार दे विच आपां देख ही रहे हैं, मतलब कोई आइडियालॉजी काम नहीं करती। बंगाल 'च आपां देखिया नहीं, बंगाल 'च किस तरीके नाल 374 जांदे ने, सारा देश लग्या होया सी, जिवें बंदे आए तो फिर जदों ममता जतदी है बंदे दूजे पासे आ रहे ने। कित्थे आइडियालॉजी, किहड़ी आइडियालॉजी है जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो इक कार्डर बेस पार्टी है, कोई कोई पार्टी पुर्टी नहीं हुंदी, सब जिहड़ा है उत्थे भी निगार है। न्यायपालिका 'च जे चार चीफ जिहड़े जज सुप्रीम कोर्ट दे जज ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਕਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਰੁਕ ਜੇ, ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਮੈਨ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਦਾ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਛਿੱਕਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਟੀਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣੇ ਸੀ ਕੰਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ TV 'ਚ ਮਲਕਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ NGO ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ
कि खरीद लिया गया, खरीदन का ढंग है कि पैसा एडवरटाइजमेंट के थ्रू। हूँ तक किसी भी सरकार ने इन्ना पैसा नहीं खर्चा सी जिन्ना मोदी साहब ने अपने प्रचार से खर्चा, कले मोदी के प्रचार से। झूठ की कंध टुटू किवें, रस्ता की लगता है हुण आ जाओ उधर। उधर दो सी जदों ये सारा कुछ चल रहा है तो फिर ये गल भी तो है कोई हरिया की कोई अल्टरनेट कोई मीडिया हो सकता है। बिल्कुल ओदी गल कर रहे हैं, कोई हरिया बूट रही हो रही, दो चार चैनल हाले भी है जिहड़े सच का पल्ला फड़ रहे हैं, दो चार पत्रकार हाले भी है जिहड़े सच बोलते हैं, ज़्यादा जा डरा ले तो जा खरीद ले, ये गल तो भावने पर होएगा कि जिहड़ा थोड़ा हुण सवाल आ गया। बिल्कुल जिहड़ी जदों ये हुंदा है ना, दो गल्लां हुंदियां ने उदों आपां क्यों गल कर रहे हैं, पहले तो तुसीं जे इहो जिहे हालात च आपां ये गल सच बोलण की कोशिश कर रहे हैं, इहदा मतलब बहुत सारे लोग लगे हुए ने जिहड़े सच दसण की गल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत वधिया काम किया इस दे बावजूद कि जिहड़ी सोशल मीडिया नूं भी सरकार चक रखण की कोशिश कर रही है। जिहड़ा टेक्नोलॉजी दे नाल असी लोकां तक पहुँच सकते हैं, एक असी वर्ड यूज किया करते हैं सिटीजन जर्नलिज्म, जिदे हाथ च मोबाइल है वह जर्नलिस्ट है। बस सिंपल गल है, वीडियो बनाओ भेज दो, अज तुसी कुछ भी हुंदा है। अज लोगों नूं समझ नहीं आती भी इन्ना कुछ किवें बाहर आता है, ये सिटीजन जर्नलिज्म करके बाहर आता है। हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदा जर्नलिस्ट है, और बहुत सारे चैनल तो डेली टीवी आराम से देंदे रहे ने। मेरे एक स्टूडेंट ने जितया से टीवी भी, तुसीं वीडियो बना के भेजो तो जे तुहाडी वीडियो बहुत वधिया खबर दे एंगल तो वही असीं तुहानूं इनाम देवांगे। ये है सिटीजन जर्नलिज्म का युग, ये है वट्सएप का युग, ये है जी फेसबुक का युग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का युग। जे सोशल मीडिया तो डरना हुंदा तो नवे कानून बना के ट्विटर नूं फसाउण की कोशिश ना हुंदी, इस करके हुंदा। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ। जे सिंघू बॉर्डर ते किसान बैठा जिहड़ा वह तीन टी दी गल कीती है ना, टैंक ट्रैक्टर ते ट्विटर, वो ट्विटर वाला जिहड़ा ट्रैक्टर तो ट्विटर तक का जिहड़ा सफर है, ये असल दे विच लोकां दा मीडिया। ते जिहड़ा अल्टरनेटिव मीडिया दी तुसीं गल करदे हो इहदे चों निकलना, इस मीडिया ने इस तरीके नाल चैक रखना शुरू करता। जो मर्जी कही जाए साडा चीफ मिनिस्टर जी 85% 90% वादे पूरे हो गए, नाल दी नाल सोशल मीडिया दस दिंदा वी झूठ बोलदा। मदर सोशल मीडिया कह दिंदा मेरे पिंड तां भाई नौकरी नहीं, किसी के पिंड च नौकरी है तां लिख के भेजो। फिर अगला पिंड कहता भी साढ़े पिंड च भी किसी नूं नहीं मिली, साढ़े पिंड च भी नहीं, दस दिंदा 10-17 लाख नौकरियां कित्थे ने। मुख मीडिया है उसकी जिहड़ी भरोसे योग्यता चक्की गई, वह चक्की की ने खुद मीडिया ने ना उन्हें सच दिखाउण लई सच ते चैक सोशल मीडिया ने रखा। जदों भरोसे योग्यता ताही हो गई झूठ बोलता है। तो मैं दस होर एग्जाम्पल ना समझा दिना, थोड़े याद हो बराड़ साहब के पिछली इलैक्शन दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बठिंडे रैली रखी बादलों के गढ़ च, उस दिन सुखबीर बादल ने पटियाले रैली रखी, ये डिप्टी सीएम सी ते अपने भाषण च कह रहा है डिप्टी सीएम पटियाले कि मैनू अफसर ने दसिया बठिंडे कोई घट नहीं होया, इन्नी गल कहन दी देर है ते सोशल मीडिया च हड़ आ गया वीडियो का भी इन्ना कट हो। जिमें केजरीवाल दे जदों एक बार मुक्तसर साहब आए थे उस वेले होया सी, जिवें बरगाड़ी वेले होया सी। तो ये सोशल मीडिया जो कुछ दसदा हो सोशल मीडिया, वह कहते कोई मौतां नहीं ज़्यादा हुई, सोशल मीडिया कहता जिहड़ियां लाशां तरदियां फिरदियां ने गंगा च ये किहदियां ने जी, क्यों नहीं जवाब दिंदा जोगी, जोगी देवे जे मोदी देवे। ये सोशल मीडिया,
सो अल्टरनेटिव मीडिया जी तुसी गल कर रहे हो वो तो पैदा हो चुके है, उन्होंने हुण कंट्रोल करने की कोशिश है, वो जे हुंदा नहीं हुंदा वो आपां मेनका गांधी ने कल की गल है, मेनका गांधी ने एक जिहड़ा वैटरनरी डॉक्टर जिहड़ा डंगरां दा डॉक्टर है उन्होंने जिवें गालां कढ़ियां जिवें धमकाया ये पहला भी धमकाउंदी हो पर हुण क्योंकि सोशल मीडिया ते आ गया देख के मैं सारी दुनिया उन्हों मतलब थू थू करती है उत्थे तो वो भी लाला रामदेव है सुप्रीम कोर्ट च जाना पिया उस लाले नूं, तो ये सारा कुछ है जिहड़ा ना ये अल्टरनेट मीडिया ये लोगों का मीडिया ही है, लोग आने वाले टाइम च ये मीडिया लोगों के लिए प्लेटफॉर्म भी हो मुख मीडिया से चैक भी हो। तो अज साडी गलबात दे विचों एक गल स्पष्ट हुई कि बिना शक के इस समय जिन्हों मुखधारा का मीडिया कहिंदे जां बहुता जिहड़ा मीडिया हैगा वो अपने असल जिहड़ा मंतव हैगा तथगत खबरां पहुँचाउणियां सच नूं पहुँचाउणा वो तो भटक चुक्या हैगा, पर जिहड़ा सोशल मीडिया हैगा वो अल्टरनेट मीडिया के तौर पर काम कर रहा हैगा जिस दे नाल जरूर लोगों तक जिहड़ा सूचना का सही प्रवाह ते तथगत जानकारी जा रही है, पर आउण वाले समय दे विच नाल दी नाल ही हर व्यक्ति नूं चेतन होना पवेगा ते हर व्यक्ति नूं ही पत्रकारी दा रोल भी नाल ही निभाउणा पवेगा। ते ये जरूर है कि कुछ प्लेटफार्म जिहड़े ओह चीज़ां नूं कट्ठियां कर लैणगे सांझियां कर लैणगे पर हर व्यक्ति नूं जिहड़ा सूचना दे प्रति सच्ची सूचना दे प्रति जिहड़ा ध्यान आ ओह खुद रखना पवेगा। वाले साहब तुसीं बड़ा सरल शब्दां विच बड़ियां उदाहरणां दे नाल ये सारे मसले ते अपने विचार रखे, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद। शुक्रिया।